गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। दो तीन दिन से ट्राई कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, पर मौसम खराब हो गया था, तो अब मेरे को जाना होता है थोड़ा सा ऑफ रोड्स के ऊपर कई बार वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे लगा बारिश के चक्कर में कीचड़ वीचड़ हो रहा होगा, तो दो दिन से तो मैं नहीं जा रहा था, लेकिन आज फाइनली, क्योंकि अब तीसरा दिन हो गया वीडियो कोई अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो आज मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले ही वीडियो शूट करने। तो सिंहद्वार पर मैं आ चुका हूँ, और सिंहद्वार से रिंग रोड का अगला पार्ट कवर करने के लिए, तो सराय वाली साइड से जो रिंग रोड का काम चल रहा है, मुझे ना वो मैप में दिखा थोड़ा बहुत, तो मैं उसको देखकर वहां जा रहा हूँ वो कवर करने के लिए। बाकी पिछले तीन चार वीडियो में भैया ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है, मतलब मैं बोला था कि कम से कम इतना हो जाए कि अब दोबारा से एक प्रोजेक्ट मिला कवर करने के लिए। तो जैसे पहले तो एक दिन में हज़ार हज़ार व्यूज़ आ जाते थे, अभी चलो थोड़ा टाइम लगेगा उसको वापस गेन करने के लिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 200 तक तो पहुँचने लगा है, मतलब 200 तक के व्यूज़ 24 घंटे में लगभग आ रहे हैं, और अच्छे खासे लाइक्स भी आ रहे हैं। तो भाई इस वीडियो में भी थोड़ा कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जल्दी से जल्दी आए, मतलब मे बी 24 घंटे के अंदर 300 तक पहुँच जाए, और लाइक्स कम से कम 30-35 24 घंटे में पहुँच जाए, तो और जल्दी जल्दी वीडियो पुश होंगे। तो सिंहद्वार है पीछे, और ये सीधा अपना दिल्ली हाईवे है। अब यहाँ से मुझे ज्वालापुर साइड ढूंढना है, लेकिन कोहरा बहुत है यार इस साइड, तो मुझे नहीं पता अब प्रॉपरली वीडियो बन पाएगा नहीं बन पाएगा। जो भी वीडियो में बनेगा मैं आपको दिखा दूंगा जहां तक भी बनेगा। इस बार मैं सराय वाली साइड से जा रहा हूँ इस रोड को कवर करने के लिए। आई थिंक ये रिंग रोड जो मैं कवर कर रहा हूँ उसका शायद ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें पर्टिकुलरली मैं रिंग रोड के लिए कोई रूट कवर करने के लिए जा रहा हूँ। और हाईवे से मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से समझो कि तीसरा पार्ट मैं कवर करूँगा, यहाँ से हाईवे से नीचे उतरने के बाद सराय वाला रोड, और सराय वाले रोड से सीधा जहाँ से रिंग रोड शुरू हो रही है वहाँ पर, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ काम वहाँ पर हुआ है। सराय वाले रोड के लिए ना काफ़ी बार कमेंट आया मेरे पास, और आप भी जो वीडियो देखते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो कि इस धरती के कौन से कोने से देख रहे हो वीडियो को, क्योंकि वीडियोज़ तो 400 व्यूज़ तक पहुँच गई है मेरे, तो एक बार फिर से मालूम पड़ना चाहिए। तो यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट टर्न, सीधा अपना ज्वालापुर आगे हाईवे निकल जाएगा रुड़की रोड, और लेफ्ट टर्न लेके मैं आ गया हूँ नीचे सर्विस लेन में, क्योंकि मुझे जाना है उस साइड जहाँ पर रिंग रोड का काम चल रहा है। भाई ठंड का बताऊँ तो ना ठंड इतनी नहीं है, मतलब वैसे सामने आपको कोहरा साफ नजर आ रहा होगा, लेकिन ठंड उतनी है नहीं इस समय, ठंड तो कम हो गई है। बर्फ़ पड़ने की वजह से ये ज़रूर होगा, अभी जो पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी है उससे जो गर्मी का मौसम है ना थोड़ा सा तो लेट आएगा, वरना तो जैसा हाल हो रखा था बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था काम खराब हो गया। ये सामने से बाइक अंदर आई, अंदर से बाहर आई ना, मैं यहाँ से अंदर जाने वाला हूँ बस। सामने आपको फाटक दिखाई दे रहा है, भाई फाटक अभी भी खुला है, अगर फाटक बंद होता तो और मेरे को वेट करना पड़ जाता। लो जी फाटक हो रहा है पार, काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है इधर से, तो इसका मतलब कि ये रोड तो काफ़ी चलता है। तक का आइडिया ये ले लो आप कि सिंहद्वार वाले हाईवे से मैं सर्विस लेन से नीचे आ गया हूँ, और नीचे आने के बाद समझो कि एक रोड पे अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ से रिंग रोड वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा बस वो मुझे ढूंढना है। वैसे तो मोबाइल मेरे पास है, मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर, और उसमें मैप पर साफ साफ दिख जाता है, पर फिर भी मेरे को लग रहा है जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा जा रहा होगा ना उसके पीछे में चलते रहो। कहीं क्लोज ही होगा यहाँ से रिंग रोड वाला एरिया ना, जो रिंग रोड का मतलब यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है वो लक्सर रोड पर, हालांकि ये भी आगे जाके लक्सर रोड पे मिलेगा। आगे तो बहुत कोहरा है भाई, आगे तो रोड भी दिखाई दे रही, स्टिल ठंड वाला उतना सीन नहीं है, ठंड उतनी नहीं है बस, हाँ कोहरा ठीक ठाक है। कोई नहीं, आज कोहरे में ही कवर करेंगे यार। दो तीन दिन से मैं सोच रहा था कवर करूँ, लेकिन बारिश का मौसम था, फिर तो मेरे को तो काम साथ साथ करना होता है, उधर से अपना ऑफिस का भी और ये अपना पैशन भी। लोग कहेंगे तेरा क्या पैशन है भाई, वीडियो बनाने का पैशन है भाई। अभी तक तो अब मेरे को लगता है कि मैप खोल के मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे हाईवे वाला पॉइंट मिला नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बार मैप खोल लूँ, क्योंकि अब मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ। राइट, यहाँ खोल लेते हैं एक बार मैप।
ओके जी, तो मैं इस समय हूँ इधर, थोड़ा सा आगे निकल गया लगता है मैं। यस, मुझे जाना है यहाँ से वापस, करते हैं इसको लगा देता हूँ यहीं पर, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं आगे जा रहा हूँ कि पीछे जा रहा हूँ। है तो रिंग रोड दिखाई क्यों नहीं दी मेरे को। अच्छा भाई, मैं सही जा रहा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसलिए मैं रुक गया था। यही रोड जा रही है भाई आगे, यही रोड जा रही है आगे, सही जा रहा था मैं, थोड़ा सा और आ गया। ओके, वो आ गया सामने, सामने आ गया, दिख गया मुझे, ये आ गया भाई रिंग रोड वाली साइड। लो जी, ये है रिंग रोड की साइड। तो भाई अगेन इस साइड ये भाद्राबाद की साइड निकल रहा है, और इधर से लक्सर रोड पर, और कीचड़ भी है यार यहाँ पे, कि गिर ना जाऊँ। टाइम क्या हो गया, 7:36 हो गए, 10 मिनट है मेरे पास। देख लो भाई यहाँ से, काम तो काफ़ी स्लो सा ही लग रहा है मेरे को। अभी ये भाई लोग आ रहे हैं, उनसे पूछता हूँ कि वहाँ से निकल जाऊँगा कि निकल जाऊँगा। भाई ये यहाँ से बाइक निकल सकती है लक्सर रोड पर? लक्सर रोड इधर से नहीं निकलेगी, इधर तो बेकार हो गया रास्ता, बेकार है। ये जंगल जो यहाँ है, कहाँ तक जंगल है, तो यहाँ पुलिस दिख रही है तो हाँ आप जंगल खेत खास है। अच्छा, मतलब अभी रास्ता है नहीं, लोग आते जाते नहीं इस रोड से? अच्छा, तो फिर अच्छा इधर से कितना दूर है लक्सर रोड, और ये कहाँ निकलता है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है लक्सर रोड। वो निकलता किस पर, मिस्टरपुर? हाँ हाँ, ये जिया पोता निकला, जिया पोता मिस्टरपुर। अच्छा अच्छा, और रतिदार था। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद भाई। सीन ऐसा है, मैं खड़ा हूँ इस समय यहाँ पर, जहाँ से आप देख रहे हो ये 2 पिलर और ये 2 पिलर बिल्कुल बीच में हूँ। यहाँ से राइट साइड में जाओगे तो भाद्राबाद रोड निकल जाएगा, और लेफ्ट साइड में लक्सर रोड पर जाएगी, और वही जो शामपुर वाला है। लेकिन मैंने पूछा है अभी तो बता रहे हैं कि ना अभी यहाँ से रास्ता नहीं है, तो इधर से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट इस पॉइंट पर आकर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस किस जगह से रिंग रोड निकल रहा है। अभी मेरे को लगता है रिंग रोड का इससे ज़्यादा एरिया कवर होना मुश्किल है अभी, तो अभी कुछ और पकड़ते हैं प्रोजेक्ट। फिलहाल रिंग रोड के लिए मैं यही दिखाता हूँ आपको, बस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ज़्यादा अंदर जाने का मना कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर रोड है ही नहीं और अभी खेत वेत है अंदर, क्योंकि अभी पिलर पे काम चल रहा है तो अभी ज़्यादा कुछ किया भी नहीं होगा उन्होंने ना। तो रिंग रोड का इसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कहाँ कुछ जहाँ तक बाइक जा सके ठीक से, है ना। इस पॉइंट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिंग रोड का काम है बीच बीच में चल तो रहा है कई जगह पर, लेकिन अभी बहुत ही इनिशियल फेज पर है वो। मे बी बजट के बाद तुम्हारा काम जोर पकड़ेगा, अब बजट तो आ गया तो इसका भी बजट होगा, तो वेट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। हालांकि इसमें इतना कुछ खास है नहीं, फिर भी लाइक मार देना, एफर्ट के लिए लाइक मार देना, और अगला वीडियो कहाँ का देखना है उसका कमेंट मार दो, क्योंकि रिंग रोड जितना हो सकता है मैं कवर कर रहा हूँ। बट अब ये देख लो कि इसके बाद इधर तो वैसे भी रास्ता कोई दिख नहीं रहा मेरे को, खेत ही खेत है, वहाँ जाने का मतलब कुछ नहीं। इधर मैं जाने की सोच भी रहा था, बट आप सोचो कि जब लोकल बंदा ही मना कर रहा है कि कोई फ़ायदा ही नहीं आगे खेत वेत है, तो फिर इसको यहीं पर रुकते हैं, और अगले वीडियो के लिए कमेंट कर दो कहाँ का देखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल नेक्स्ट, टेक केयर, गुड बाय।